हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनार पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब भी हम किसी कंपनी की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं और उस कंपनी में हम इन्वेंट्री भी मेंटेन करते हैं, यानी कि स्टॉक आइटम भी हम मेंटेन करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा भी कोई भी स्टॉक आइटम हमारे पास हमें माइनस में शो करती है, कोई स्टॉक आइटम हमें एक्सेस के साथ दिखाई देती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो हमें वो स्टॉक आइटम है जो माइनस में दिखाई देती है, लेकिन फिजिकली तौर पे वो स्टॉक हमारे पास कंपनी में अवेलेबल होता है। और कई बार ऐसा आपने देखा होगा भी कुछ स्टॉक आइटम आपके पास एक्सेस होती है कि जितना कि आपके पास उतना स्टॉक अवेलेबल होता भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन क्या होता है भी अगर ऐसा कोई भी स्टॉक आइटम जो आपके सॉफ्टवेयर में तो आपको माइनस दिखाई दे रही है, लेकिन वो स्टॉक आपको फिजिकली आपके पास पड़ा है, तो वो स्टॉक आइटम हमें माइनस के साथ क्यों दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो हम उसको नेगेटिव से किस तरीके से बाहर निकालेंगे, यानी कि माइनस स्टॉक को हम किस तरीके से पॉजिटिव स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो विद इन्वेंट्री के साथ में, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। या आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स सीख रहे हो तो भी इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में टोटल स्टॉक को देखने के लिए हम गेटवे टैली पर रहते हुए स्टॉक समरी पर हम जाएंगे और एल्ट एफ वन के साथ डिटेल के साथ स्टॉक आइटम को ओपन कर लेंगे। दोस्तों, आप भी देख रहे हो हमारे पास इस कंपनी में हमें तीन स्टॉक आइटम दिखाई दे रही है और ये है स्टॉक की इनकी जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी जो हमारे पास बची हुई है। एक हमारे पास 9 पीस बचे हुए हैं, एक हमें माइनस के साथ दिखाई दे रहा है और एक स्टॉक आइटम 12 पीस की क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे पास बचा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात देखनी है भी आपके पास माइनस में आने का रीज़न क्या है। तो जैसे हम इस माइनस वन पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिखाएगा भी आप ये जो क्लोजिंग स्टॉक का नाम आपके पास यहाँ आ जाता है ऊपर भी, इस प्रोडक्ट को आपने 6 पीस तो आपने परचेज किए हैं और जो सेल की क्वांटिटी आपकी है वो 5+2 यानी कि 7 पीस आपने सेल कर दिए, तो एक स्टॉक है जो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है भी अगर हमने कोई प्रोडक्ट 6 पीस के साथ खरीदे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको 6 पीस ही सेल कर सकते हैं, स्टॉक आपके पास जीरो हो सकता है। लेकिन माइनस में आने का कारण क्या दोस्तों, ये वहां पर होता है जहां पर जो स्टॉक आइटम होती है वो मिलते जुलते नाम से होती है या फिर उनमें किसी का कलर का कोई डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे कि ये हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, कीबोर्ड विद वायर डेल 120 का एक 120 का एक मॉडल है, एक कीबोर्ड विद वायर डेल 125 मॉडल है, यानी कि सिर्फ मॉडल का फर्क है, सेल रेट सेम है। तो अब कई बार क्या होता है, कस्टमर रिप्लेस करवा लेता है। अगर हम फिजिकली की बात करें तो जो फिजिकल स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है कंपनी के अंदर, वो हमारे पास जो इस 9 पीस जो हमें सॉफ्टवेयर दिखा रहा है इसके तो एक्चुअल में 7 पीस, और ये जो 1 पीस माइनस के जो दिखा रहा है ये एक पीस अभी भी हमारे पास है जो बचा हुआ है, अभी भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी ऐसा कोई भी दो स्टॉक आइटम है जो हमने सेल तो करी थी 120 के मॉडल की और हमने इनवॉइस इशू कर दिया 125 के मॉडल का, पहला रीजन आपका ये हो सकता है। अब दूसरा, कई बार ऐसा होता है भी मान लीजिए कस्टमर को आपने 120 का मॉडल आपने पहले दिया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर आपको वापस दे गया और उसकी जगह आपने 125 का उसको रिप्लेस करके दे दिया, तो फिजिकली तो कोई स्टॉक प्लस हो रहा है कोई माइनस आ रहा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी तक आपका स्टॉक है जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग यही चल रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भी स्टॉक आपके पास आ गया लेकिन आपने क्या किया, सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे कस्टमर को भी दे दिया और उसका भी आपने सेल इनवॉइस बना दिया, तो अब एक स्टॉक आपका दो बार चला गया तो उसकी वजह से भी ये माइनस में आएगा। तो जब हमने स्टॉक को मैच किया तो मैच करने के क्या हुआ भी 120 का जो प्रोडक्ट है ये है हमारे पास अवेलेबल 7 पीस और 125 का ये एक प्लस के साथ यानी कि एक स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो इस टाइप के इस तरीके के स्टॉक को हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, तो अब आपको ये 120 का या जो आपके पास स्टॉक माइनस में आ रहा है आप उस पर इंटरप्रेस कीजिए और उसके ऊपर आप कोई भी ऐसी दो स्टॉक आइटम जो आपने कैश में सेल करी हो
तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, जैसा कि ये हमारे पास राजकुमार कस्टमर है, इसको हमने 2 PCA सेल किए हैं, तो अगर आप ऑन रिकॉर्ड कंपनी के मतलब अकाउंटिंग मेंटेन के पर्पज से या स्टॉक मेंटेन के पर्पज से अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हो, तो हम इस जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट सेल किए हैं, इसको हम 120 का जो हमारे पास स्टॉक है इसके हम कन्वर्ट कर देंगे। सेल रेट आपका बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनवॉइस के नेट अमाउंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनवॉइस को हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आपने देखा जो हमें स्टॉक में 9 पीस दिखाई दे रहे थे वो अब 7 हो गए, और एक जो माइनस के साथ हमें जो दिखाई दे रहा था वो अब प्लस में 1 हो चुका है। तो कई बार ये रिप्लेसमेंट के चक्कर में ये स्टॉक है, जो कोई स्टॉक आपके पास एक्सेस बोलेगा, कोई स्टॉक आपके पास कम बोलेगा, और फिजिकली क्या होता है भी जो स्टॉक आपके पास सॉफ्टवेयर में माइनस में बोल रहा है वो आपके पास फिजिकली में अवेलेबल होता है, और जो एक्सेस बोल रहा होता है वो उतना स्टॉक आपके पास अवेलेबल होता ही नहीं है जितना में सॉफ्टवेयर में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसी वजह यही होती है ज़्यादातर, जहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है मिलते जुलते के नाम से या फिर उनका नाम से में अगर कोई कलर का डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पर भी हम इश्यू आ सकता है। कई बार कस्टमर रिप्लेस करा देते हैं, क्रेडिट नोट हम इश्यू नहीं करते, तो वो जब तक क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा तब तक वो स्टॉक हमारी कंपनी में इनवर्ड के रूप में नहीं बोलेगा, तो वो स्टॉक हमारे पास वैसे ही घटाएगा। अगर वो सेम प्रोडक्ट को कस्टमर को हमने दूसरे को सेल कर दिया तो एक प्रोडक्ट का हमने इनवॉइस दोबारा सेल कर दिया, तो एक अगर क्वांटिटी आपके पास एक है, बिल आप उसका अगर 2 बार इशू करोगे तो वो स्टॉक माइनस में जाएगा। तो कई बार इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको स्टॉक आइटम को हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप अपनी इन्वेंट्री को सही तरीके से मेंटेन करना चाहते हो। करना कुछ नहीं है, जो स्टॉक माइनस में चलती है उस पर आपको एंटरप्राइज करना है, और उसके बाद में जो भी स्टॉक आइटम यहाँ पर आपको दिखे उसको आप दूसरी स्टॉक आइटम के साथ है जो कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो स्टॉक आपका आउट हो जाएगा और उसके बाद में प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने वापस कन्वर्ट किया तो ये एक पीस माइनस वापस माइनस में आ गया, और जहाँ पर ये जो 7 पीस थे वो 9 पीस हो गए, यानी कि 2 पीस इसमें से कम हो गए, इस पीस के साथ बढ़ गए। तो इस तरीके से हम हमारी स्टॉक इन्वेंट्री को एडजस्ट कर सकते हैं एक स्टॉक आइटम के साथ दूसरी स्टॉक आइटम को, बट करना आपको उसी स्टॉक आइटम से रिलेटेड ही है। ये नहीं है कि हम कीबोर्ड तो माइनस में आ रहा है और माउस आपका पास प्लस में आ रहा है तो कीबोर्ड को माउस के साथ कन्वर्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर जो स्टॉक है वो मिलते जुलते नाम वाले हैं, या फिर आपके नाम जो स्टॉक आइटम है वो बिल्कुल सेम है लेकिन उनके मॉडल नंबर में डिफरेंस होता है, तो वो कस्टमर चेंजिंग होती रहती है, तो उसी की वजह से स्टॉक आपका माइनस में आता है और कोई स्टॉक आपके पास एक्सेस रह जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।